फाइनली गाइस, रेडमी नोट 11 सीरीज की लॉन्च डेट आज रेडमी ने ऑफिशियली कंफर्म की है। रेडमी ने यह कंफर्म किया है कि रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स चाइना के अंदर 28 अक्टूबर को लॉन्च होने वाले हैं। 28 अक्टूबर को ये स्मार्टफोन सीरीज सबसे पहले चाइना के अंदर लॉन्च होगी, फिर थोड़े समय बाद ये स्मार्टफोन सीरीज इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर रेडमी नोट 11 सीरीज में हमें क्या फीचर्स मिलेंगे, इनकी क्या प्राइस होने वाली है, इन सभी स्मार्टफोन्स की क्या प्राइस होने वाली है और रेडमी नोट 11 सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होंगे, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। सो हे गाइस, मेरा नाम है ब्रिज और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए पहले बात करते हैं Redmi Note 11 सीरीज के डिजाइन के बारे में। Redmi Note 11 सीरीज में हमें कैसी डिजाइन मिलने वाली है उसके बारे में चलिए पहले बात कर लेते हैं। Redmi ने आज ये टीजर डाला है जहां से हमें ये पता चल जाता है कि Redmi Note 11 सीरीज की डिजाइन iPhone 12 एंड iPhone 13 से काफी सिमिलर होने वाली है, क्योंकि Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स के अंदर हमें फ्लैट एजेस मिल जाएंगे। iPhone 12 एंड iPhone 13 सीरीज जैसे यहाँ पर हमें फ्लैट एजेस मिलने वाले हैं। और गाइस, Redmi Note 11 सीरीज के अंदर हमें 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाएगा और यहाँ पर हमें JBL की तरफ से स्पीकर्स भी दिखने को मिल जाएंगे। बैक साइड में हमें Redmi 10 Prime जैसा कैमरा मॉड्यूल भी मिल जाएगा। डिजाइन के मामले में ओवरऑल ये स्मार्टफोन एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। Redmi Note 11 सीरीज के अंदर Redmi 3 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिनका नाम है Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro एंड Redmi Note 11 Pro Plus। पहले बात करते हैं Redmi Note 11 के बारे में। Redmi Note 11 स्मार्टफोन, ऐसी जानकारी मिली है कि चाइना के अंदर अराउंड 1199 yuan यानी कि करीबन 14,000 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च होने वाला है। और ऐसी जानकारी मिली है कि इस प्राइस पर यहाँ पर हमें Dimensity 810 का प्रोसेसर मिल जाएगा, यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और गाइस, ये स्मार्टफोन 15,000 से कम की प्राइस पर लॉन्च होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर Redmi यूज करने वाला है LCD डिस्प्ले। यहाँ पर 120Hz रिफ्रेश रेट वाली LCD डिस्प्ले मिल जाएगी, यहाँ पर OLED डिस्प्ले नहीं मिलेगी। फिर गाइस, यहाँ पर हमें 50MP का प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा एंड 16MP का सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। Redmi Note 11 स्मार्टफोन इतना कुछ खास स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े फीचर्स हमें Redmi 10 Prime जैसे मिल जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर मेन फीचर ये है कि यहाँ पर हमें Dimensity 810 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा खासा 5G स्मार्टफोन बन जाता है 15,000 से कम की प्राइस पर। Redmi Note 11 Pro की बात करें तो Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर हमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली OLED डिस्प्ले मिलने वाली है, यहाँ पर OLED डिस्प्ले मिल जाएगी। फिर गाइस, यहाँ पर भी हमें 5000mAh की ही बैटरी मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर 33W फास्ट चार्जिंग के बदले 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर हमें 50MP प्राइमरी सेंसर के बदले 108MP का प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा, यानी कि कैमरे के मामले में भी ये थोड़ा इम्प्रूव वर्जन होने वाला है Redmi Note 11 का। यहाँ पर भी हमें 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हमें MediaTek का नया 5G चिपसेट दिखने को मिलने वाला है, जो कि है MediaTek Dimensity 920। ये प्रोसेसर MediaTek Dimensity 900 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गेमिंग आप लोग हाई सेटिंग्स में इजीली खेल पाएंगे। और गाइस, OLED डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पर मूवी सीरीज देखते समय यहाँ पर काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ओवरऑल Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन एक पैकेज स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि चाइना के अंदर ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन 1599 yuan यानी कि करीबन 18,000 रुपीस की प्राइस पर लॉन्च होने वाला है। अंडर 20,000 रुपीस की प्राइस पर ये एक काफी अच्छा स्मार्टफोन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छा कैमरा भी मिल जाएगा, डिस्प्ले भी अच्छी मिल जाएगी और प्रोसेसर भी अच्छा मिल जाएगा। ऊपर से यहाँ पर हमें 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है, वो भी एक काफी अच्छी चीज है। Redmi Note 11 Pro Plus की बात करें तो Pro Plus के बारे में अभी ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर हमें 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। और गाइस, ये फास्ट चार्जिंग Redmi ने ही ऑफिशियली कंफर्म किया है। Redmi ने ये कंफर्म किया है कि Redmi Note 11 सीरीज के हायर वेरिएंट वाले स्मार्टफोन के अंदर हमें 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन सबसे पहला स्मार्टफोन बनेगा मिड रेंज कैटेगरी का जहां पर 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। ये तीनों स्मार्टफोन चाइना के अंदर 28 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएंगे, फिर एक दो महीने बाद ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च हो सकते हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि इंडिया में ये स्मार्टफोन दिसंबर के एंडिंग में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएंगे। क्या आप लोग Redmi Note 11 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो, तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये था मेरा वीडियो Redmi Note 11 सीरीज के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।